राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा हवा में बात करते हैं मोदी, पीएम की कम हुई विश्वसनीयता, बोले बिना सुषमा के इस्तीफे के कोई बहस नहीं होगी। वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा था कि संसद का सत्र शुरू होते ही ध्यान भटकाने वाली राजनीति चालें शुरू हो जाएंगी, भारत की जनता बेवकूफ नहीं है, ये देखना पछतावे से भरा है कि भारत का नेतृत्व ऐसे तथाकथित नेता कर रहे हैं। टीडीपी के सांसदों का संसद में प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर संसद में धरना देंगे सांसद। 3 अगस्त को संसद की ज्वाइंट कमेटी करेगी भूमि अधिग्रहण बिल पर रिपोर्ट पेश, सरकार मानसून सत्र में ही भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने की तैयारी में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्टूबर में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कर सकती हैं यात्रा, कुमार विश्वास को यात्रा की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी। आप नेता संजय सिंह जुलाई के आखिरी हफ्ते में जाएंगे कनाडा, पार्टी के लिए फंड जुगाड़ने की कवायद। गृह मंत्रालय की जेसीए बैठक में मुख्य सचिव की जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक में शामिल होने की रखी पेशकश, सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने खारिज किया। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सूबे के सभी डीएम को आदेश, कहा हर डीएम 2 बच्चियों को गोद ले। जेडीयू ने नमो ब्रांड की साड़ी सामने लाकर बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी कर रही है बिहार में करोड़ों की साड़ियां बांटने की तैयारी, जेडीयू करेगी चुनाव आयोग से शिकायत। बिहार में पीएम मोदी के दौरे के दौरान हो रहे कार्यक्रमों से नीतीश का नाम गायब, बिहार दौरे के दौरान पीएम बिजली से जुड़े 3 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, लेकिन शिलापट में सिर्फ मोदी, राज्यपाल और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का नाम। बीजेपी के परिवर्तन रथ के जवाब में नीतीश उतारेंगे साइकिल, फुलवारी शरीफ में बोले नीतीश, बीजेपी महंगे रथ लेकर उतरी है, रथ के जवाब में कार्यकर्ता साइकिल से जनता के बीच जाए। पप्पू यादव ने आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को अपने साथ आने का दिया ऑफर, कहा लालू किसी के नहीं हो सकते। यूपी के मंत्री आजम खान का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह से बीजेपी ने संसद नहीं चलने दिया उसी तरह विपक्ष संसद नहीं चलने देगा। पिछले सालों में जिस तरह आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दी उसी तरह आज विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने देगा, ये हमारा तजुर्बा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बड़ा बवाल, डीसीडब्ल्यू की चीफ नियुक्ति की गई स्वाति मालीवाल ने कहा एलजी ने दफ्तर आने से मना किया, एलजी दफ्तर का ऐसा करने से इनकार, कहा जिसने फोन किया उसका नाम बताए स्वाति। गुरुवार सुबह स्वाति मालीवाल का ट्वीट, कहा महिला आयोग के दफ्तर ने एलजी के यहां से फोन आने की गलत बात क्यों बताई, एलजी से मुलाकात का मांगा वक्त। स्वाति मालीवाल ने कहा मैं मीनाक्षी हत्याकांड की पड़ताल शुरू करने वाली थी, मुझसे सारी फाइल्स वापस ली जा रही है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से की मुलाकात, आनंद पर्वत में हुई पुलिस लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा, दिलीप पांडे पर पुलिस वैन से कुचलने की हुई थी कोशिश, पुलिस को सौंपी सीडी। पूरी घटना को जानने के बाद इस मामले में उन्होंने जल्दी इसकी जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तेज किया वार, जारी की उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के पीएस की स्टिंग की सीडी, कहा शराब लाइसेंस के लिए सीएम हरीश रावत के पीएस ने मांगी थी घूस, आज तक नहीं करता सीडी की पुष्टि। नहीं बल्कि पूरे संसार में बेनकाब हो गई है, खुलेआम घूस लेने की बात जो मुख्यमंत्री के सचिव साहिद अहमद ने करी है, ऐसे अधिकारी को तत्काल पकड़ के जेल में डाला जाए। कारगिल दिवस पर द्रास के दौरे पर नहीं जाएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, खराब मौसम की वजह से रद्द हुई यात्रा। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का रघुवर सरकार पर वार, कहा झारखंड में हो रहा है बीज घोटाला, बाबूलाल का आरोप इस बार अच्छी बारिश के बावजूद किसानों को बीज उपलब्ध नहीं। हरियाणा में आज हो सकता है खट्टर सरकार का विस्तार, 3 नए मंत्रियों की ताजपोशी के आसार। समाजसेवी अन्ना हजारे एक और आंदोलन के लिए तैयार, वन रैंक वन पेंशन के लिए 26 जुलाई को जंतर मंतर पर अनशन करेंगे अन्ना।
दिव्यानी खोबरागड़े की सत्यता और ईमानदारी पर सरकार ने उठाए गंभीर सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में विदेश मंत्रालय का हलफनामा। कहा देवज्ञानी ने विदेश मंत्रालय को बगैर सूचित किए अपनी दो बेटियों के लिए अमेरिकी और भारतीय पासपोर्ट हासिल किए। मुंबई धमाकों के दोषी याकूब ने नागपुर जेल में मिलने पहुंचा परिवार। फांसी के खिलाफ याकूब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका। कहा क्यूरेटिव याचिका पर फैसले से पहले कैसे जारी हुआ डेथ वारंट। मुंबई सीरियल धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी को लेकर मुंबई पुलिस चौकस। फांसी के बाद मुंबई में याकूब के घर लाया जाएगा शव। बिजनौर में लेडी डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबरन जमीन कब्जा करने के लिए एक लड़की पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोप। बाहरी दिल्ली के दौलतपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना। घर में घुसकर एक शख्स की 18 बार चाकुओं से गोद कर हत्या। झारखंड के पलामू प्रमंडल में नक्सलियों का तांडव। सड़क बना रहे डंपरों को आग के हवाले किया। कर्मचारियों के साथ मारपीट। दिल्ली की बहादुर बेटी ने छेड़छाड़ का किया जबरदस्त विरोध। मनचले को भागने से रोका। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। दिल्ली के नेपसराय इलाके में 18 साल के लड़के की मौत। परिवार ने शव के साथ सड़क पर किया विरोध। घरवालों का आरोप दो दिन पहले रोडरेज में पीट पीट कर हुई थी हत्या। पंजाब पुलिस के दो जवानों पर एक महिला से 2 लाख घूस लेने का आरोप। पैसे लेते हुए पुलिस वालों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। शिकायत के बाद दोनों पुलिस वाले सस्पेंड। सूरत के एक अल्पसंख्यक स्कूल में बांटी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ छपी नोटबुक। सोने के दाम में गिरावट के साथ ही बढ़ी जेवरात की बिक्री। लोगों को लुभाने के लिए बाजार में आए बेहद लुभावने ऑफर। यूपी के मुजफ्फरनगर में ड्रोन के जरिए पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। कारोबारी से 6 लाख रुपए लूटकर खेत में छिपा था लुटेरा। कानपुर के बेटूर थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर चल रहे झगड़े में दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। झड़प में महिलाएं भी नहीं रही पीछे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक विधायक के बेटे की गुंडागर्दी। मूवी टिकट मांगने पर साथियों के साथ मिलकर मॉल के कर्मचारी को पीटा। बिहार के समस्तीपुर के प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर ने 5 बच्चों को दी कठोर सजा। होमवर्क ना करने पर पीठ पर ईंट रखकर बनाया मुर्गा। मनचलों को सबक सिखाने के लिए जयपुर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन रोमियो। लड़कियों को परेशान करने में 2 दिनों में गिरफ्तार किए गए 200 युवक।